नमस्कार, अर्जाभट्ट टीवी में आपका स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा उपायों के बावजूद हर साल दुनिया भर में अंधेपन के 1 से 2 मिलियन मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर उचित उपाय नहीं किए जाते तो साल 2020 तक दुनियापन में अंधापन 100% तक बढ़ जाएगा। इसी संदर्भ में 12,000 नेत्र चिकित्सकों, ऑप्टोमेट्रिक छात्रों और पैरा ऑप्टोमेट्रिक सेवाएं उपलब्ध कराने वाली विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था इंडियन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन ने विगत दिनों 30 मार्च से 1 अप्रैल तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में 37वें ऑल इंडिया ऑप्टोमेट्रिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन की। इनोवेशन इन डिलीवरी एंड एक्सेस ऑफ आई केयर विषय पर आयोजित यह सम्मेलन न केवल देश भर से आए प्रतिभागियों को नेत्र चिकित्सा के आधुनिक अनुसंधानों, अनुभवों और प्रगतियों के बारे में जानने का मौका प्रदान किया, बल्कि आम जनता तक किफायती नेत्र चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने में कारगर साबित हुआ है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार एवं अन्य प्रतिनिधियों से भी अर्जाभट्ट टीवी ने बात की। हमारे देश के अंदर मेट्री यानी आँखों की चिंता तो होती है, पर जिस ढंग का ये स्थान मिले, इनको जो अवसर मिले, जो इनकी मांग है उसको विचार किया जाए, तो अब जो नई व्यवस्था हो रही है, मेरे स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जाइए वहाँगा और जो उनके सुझाव हो मुझको बताइएगा, पूरा ऑनर किया जाएगा। हम तो जैसे बता रहे हैं, हम तो पिछले 25 साल से इनके साथ में पूरा सहयोग कर रहे हैं। केयर में जो भी ये चाहेंगे, जिस ढंग का सहयोग चाहेंगे, जिस ढंग की व्यवस्था चाहेंगे, तो उसमें हाँ पूरा सहयोग किया जाएगा। इंडियन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन 1965 से इंडिया के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही है। एक प्रोफेशनल बॉडी है, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन डेंटल एसोसिएशन। मोर देन ऑप्टोमेट्रिस्ट सर्विसेज हैं, जो 80% ब्लाइंडनेस जो हिंदुस्तान में बच्चे से लेके बड़े तक और बूढ़े तक है, जिसको हम सर्जरी के द्वारा ना ठीक कर एक आई को चेक करके 80% ब्लाइंडनेस को कंट्रोल अवॉइड किया जा सकता है। तो यही हमारी प्रार्थना है भारत सरकार से। जैसे नेशनल हेल्थ काउंसिल बिल बना रहे हैं सभी प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए, ऐसी ऑप्टोमेट्री जो 1958 से इंडिया में, उसको रेगुलेटर बॉडी के एजेंसी या बोर्ड या काउंसिल क्रिएट किया जाए। साथ में हमारी जो सेवाएं हैं वो राष्ट्रपति महोदय को पिछले 30 साल से दी जा रही हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय के कंसल्टेंट श्री विपिन बख्शी जी, डॉक्टर विपिन, रिक्वेस्ट है वो आए, दो शब्द बोलें कि जो सेवाएं तक एक आम गरीब लोगों पर अंधता का निवारण करने के लिए ऑप्टोमेट्री भारत सरकार की रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा दी जाए। इंडिया की पॉपुलेशन जितनी है, इसके हिसाब से हमारे पास सिर्फ 15,000 ऑप्थल्मिक सर्जन हैं। वो एक बहुत कम नंबर है, वो रेशो बहुत कम है। यहाँ पे ऑप्टोमेट्रिस्ट का एक बहुत क्रूशल रोल है। जैसे त्यागी जी ने बताया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज विद द ऑप्टोमेट्रिस्ट। वो उसको आगे रेफर करेगा कि इसको रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है या ग्लूकोमा प्रॉब्लम है। हर चीज़ के अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, उसके पास उनको रेफ़र किया जाएगा। मेरा नाम राजीव प्रसाद है, मैं इस कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन हूँ। और एक अपडेट आपको दे दूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में हमारे पास करीब 650 से ज़्यादा डेलीगेट इंडिया और इंडिया के बाहर से आए हैं। और इसी कॉन्फ्रेंस में हम सार्क नेशन प्लेटफॉर्म ऑप्टोमेट्री का बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि अभी हमारे पास बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और श्रीलंका, इतने जगह से ऑलरेडी डेलीगेट्स आए हुए हैं और सार्क नेशन का प्लेटफॉर्म यहाँ बना रहे हैं। आई केयर के बारे में बस इतना बोलना चाहूँगा कि आई केयर, जैसा कि डॉक्टर अरुण ने बताया, बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तब से शुरू होता है, और जब उसका अंतिम समय आता है उस समय भी वो अपने आँखें दान कर सकता है। सो आइडियली इस बड़ा एक वर्ड में कर कहा जाए तो आई केयर शुड स्टार्ट फ्रॉम राइट फ्रॉम मदर्स वूम अप टू द टूम, उनके गर्भ से लेकर के उनके कब्र तक, ये ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना चाहिए। इंडिया में अभी 15,000 से 16,000 ही आई सर्जन्स हैं, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, और 125-30 करोड़ की आबादी को पूरी तरीके से कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काम कर सकते हैं और इंटरनेशनली प्राइमरी आई केयर
प्रोवाइडर के तौर पर ऑप्टोमेट्रिस्ट को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। अगर ये वर्कफोर्स पूरे इंडिया में इस्तेमाल की जाए तो जो भारत सरकार का नेशनल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस का प्रोग्राम है इसको बहुत अच्छे ढंग से सक्सेसफुल किया जा सकता है बिना किसी परेशानी के, और अंधापन नियंत्रण 80-90% हो सकता है। और WHO का सर्वे भी बताता है 80% ब्लाइंडनेस अवॉइडेबल है, जिनको कि हम अंधापन के क्षेत्र में डाल देते हैं वो नियंत्रित किया जा सकता है। मैं साइट सेवर्स इंटरनेशनल का भी ट्रेनर हूँ लो विजन के लिए, बहुत सारे ब्लाइंड स्कूल में मैंने स्क्रीनिंग कराए हैं और मैंने ये देखा है कि हर 50 बच्चा जो ब्लाइंड स्कूल में पढ़ रहा है ये कहते हुए कि ये अंधा है, उस 50 में से कम 30 ऐसे बच्चे हैं जिसको कि हम ब्लाइंडनेस से बाहर निकाल सकते हैं और उनकी विजन काफ़ी इम्प्रूव की जा सकती है। बट उस पर थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार की काफ़ी कोशिशें हैं लो विजन को डेवलप करने के लिए और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपने संस्थान इंडियन ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन के माध्यम से उसको और डेवलप करें और ग्रो करें, और हमारा पूरा सहयोग रहेगा NPCB प्रोग्राम में कि हम अंधापन नियंत्रण कंट्रोल कर सकें। हम लोगों का एक मेन उद्देश्य है यहाँ पर ऑप्टोमेटिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके उनके उत्थान के बारे में और हम लोग क्या इसमें अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस। हम तो लगभग 1986 से इस पर वर्क कर रहे हैं जी सर, और हमारे जो अभी माननीय मंत्री जी कह गए कि हमारा 20 साल का साथ है, 20 नहीं बल्कि और ज़्यादा साल का साथ है हमारा उनका, और शायद उन्हीं की वजह से ऑप्टोमेट्री नाम ऊपर उठ के आ पाया है। नहीं तो कोई तो ऑप्थल्मिक असिस्टेंट कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई ऑप्टोमिस्ट कहता था, लेकिन ऑप्टोमेटिस्ट कोई नाम नहीं कह पाता था। आज की डेट में कम से कम इतना तो है कि पब्लिक जान गई है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन है, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है आँखों के बारे में तो वो ऑप्टोमेटिस्ट को ही ढूंढते हुए जाता है। और मुझे बहुत फख्र है ये कहने में कि आई केयर में मोर देन 70% वर्क ऑप्टोमेटिस्ट करता है। मेरा केवल एक ही बार नहीं मंत्री जी से, केवल मैंने दो पॉइंट की डिमांड रखी है, जैसे उन्होंने बताया था कि केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी से उनकी वार्ता हुई थी, हम लोगों ने यहाँ पे केवल उनसे दो पॉइंट्स मांगे हैं कि जो भारत सरकार खुद कह रही है वही हमको दे दे और कुछ नहीं चाहिए। भारत सरकार की वेबसाइट पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन पड़े हुए हैं जो उन्होंने पोस्ट किए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन भारत सरकार की वेबसाइट पे जो उन्होंने ऑप्टोमेटिस्ट के लिए खुद पोस्ट किए हुए हैं उसमें काफ़ी कुछ है, तो मैं यहाँ पे उसको पूरा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। थोड़ा सा तो आप ये नहीं कि उसमें सब कुछ है कि इनका सेपरेट बोर्ड होना चाहिए, सेपरेट काउंसिल होना चाहिए, ऑप्टोमेटिस्ट क्या वर्क कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि उसकी हद कहाँ तक है आई केयर में। हम केवल उसी की डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारी वो हद तय कर रहे हैं वही हद हमें को दे दें, इतना ही काफ़ी है। आप मुझे पेट को भरते हैं और दिमाग को भरते हैं, दिमाग का भी एक खाना है। दिमाग का खाना क्या है? जब माँ अपने बच्चे के आँख में आँख डालकर बात करती है तो दिमाग को खुराक मिलती है। जब आप एक केवल फ़ोन या स्मार्टफोन या टीवी के सामने बच्चे को रख देते हैं और उसकी माँ उससे नहीं बात कर रही है तो दिमाग के खाने दिमाग की खुराक बंद हो जाती है। तो मैं केवल शारीरिक खुराक की बात नहीं कर रहा हूँ, दिमाग की खुराक की। हमारे गांव में माँ जो है वो समय देती थी, गाना गाती थी, बच्चों के साथ आँख में आँख डाल के बातें करती थी, कौवे दिखाती थी, चिड़िया दिखाती थी, इससे दिमाग की खुराक होती थी और ये माध्यम था, वो खिड़की थी आँख। तो आँख का सही होना ज़रूरी है और दिमाग का खुराक को भी मिलना चाहिए, तभी हम शारीरिक नहीं मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त होंगे। 3 साल की कम उम्र में किसी प्रकार का टीवी, किसी प्रकार का स्मार्टफोन बच्चे को नहीं देना चाहिए, उसे इंसान की ज़रूरत है, स्मार्टफोन की नहीं। नहीं, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बच्चा जब बोल नहीं सकता तो वो आपको नहीं बता सकता कि आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, और जब बच्चा पैदा होता है तो आँख का पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होता है, डेवलपमेंट बाद में होता है। अगर उस वक्त ऑप्टोमेट्रिस्ट या डॉक्टर मिलके बच्चे की आँख नहीं जांचे या उसके रिफ्रैक्शन को नहीं देखे तो बाद में वो आँख की रोशनी पूरी तरह से गायब हो जाती है और इसके बाद दुनिया का कोई सर्जन भी नहीं है जो कि उस रोशनी को वापस ले आए।